नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह भी आप सभी जातकों के लिए अच्छा रहा होगा। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं हर वीक में कहता आया हूँ कि जो समय निकल जाए बिना किसी प्रॉब्लम के वो सबसे अच्छा समय है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, नथिंग टू वरी अबाउट देम। इस वीक से हमने फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज किया है। अभी तक हम वीक का एनालिसिस बताते थे डिफरेंट राशि के जातकों के बारे में। इस वीक से हम इवन क्या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इस राशि के डिफरेंट राशि के जातकों को क्या करना चाहिए इस बारे में भी चर्चा करेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, शुभतन है मूंगा, शुभ दाश है तीन मुख्य रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। इस सप्ताह कारोबार बढ़ाने की पहली पहल या शुरुआत आप कर सकते हैं। यदि आप कोई चीज़ आपका कोई प्लान था जो काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग है तो इस वीक में आप इसको एक नया रूप मुहूर्त दे सकते हैं। आप जिस चीज़ में आर्थिक रूप में या करियर में जिस चीज़ में हाथ डालेंगे उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। परंतु यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो यह उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। आपको यह सप्ताह बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रखने वाला है। काम की वजह से आपको दूर घर से जाना पड़ सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और मधुर होंगे। अपने पार्टनर को किसी भी प्रकार से आपको नाराज नहीं करना है। स्वास्थ्य इस सप्ताह पूरे तरीके से ठीक रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े से बेचैन रहेंगे। सप्ताह छात्रों को आसानी से सफलता प्राप्त होगी। आगे की योजना बनाने के हिसाब से भी समय शुभ है। परिवार से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, परंतु किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है। घर में धार्मिक व मांगलिक कार्य या प्रसंग या आयोजन हो सकता है। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को मंगल से रिलेटेड चीज़ों का उपाय करने से और सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। तो ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन स्पेसिफिकली बजरंग बाण हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी को चोला अर्पण करें। यदि आप कोई एक पर्टिकुलर विश है उसको आप पूर्ण करना चाहते हैं तो हनुमान जी के सामने नारियल फोड़ के अपनी विश को मांगें और भगवान हनुमान जी आपके सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे। मैं महागुरु गौरव मित्तल। आने वाला सप्ताह आप सभी जातकों के लिए अच्छा शुभकारी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।